हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अंकिता जीप्स। तो फ्रेंड्स, जो भी भाई है ना कॉल करेगा या फिर जिसको भी इंक्वायरी चाहिए ना, एक बार आप वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने गाड़ी की सारी डिटेल दे रखी है और प्राइसिंग के साथ। अब आ जाए, जिस भाई को मॉडल देखना है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मिल जाएगा, जिस पे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि हर गाड़ी की हम लोग वीडियो बना नहीं पाते, तो हर गाड़ी की अपडेट उस पे मिलती है। और तीसरी चीज़ फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद वीडियो इसलिए आ रही है कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ हमारी डिले हो गई थी पेंट वर्क की वजह से, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ में टेम्परेचर कितना लो है, ठंड है, हवा में मॉइस्चराइजर है, जिसके वजह से क्या पेंट वर्क में डिले हो गए थे। और अब कम से कम आप मानोगे नहीं, 10 से 12 गाड़ी पेंट हो गई है, धनाधन निकल रही हैं। तो आपको सभी गाड़ियों की जानकारी हम देंगे। और तो अब आते हैं इस गाड़ी के ऊपर। इसकी जानकारी देने से पहले मैं आपको इसको वॉक अराउंड वीडियो दिखाता हूँ, पहले वो देखिए, उसके बाद आपको इसकी कम्प्लीट जानकारी देता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट में आपको बताना आपको कुछ और इंप्रूवमेंट करना या कुछ और जानकारी चाहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब इस गाड़ी के ऊपर आ जाएं। जैसे आपको पता है हमारी हर गाड़ी में पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, पावर क्लच होता ही है। इस गाड़ी में सामने है मेटल बम्पर है, हैंडमेड बम्पर है, जिसके अंदर आपको दो LED लाइट्स आ गई हैं, और साथ में ऊपर दो हेलोजन लाइट्स बोल लीजिए या फिर डे लाइट्स बोल लीजिए, वो आ गया है। एंग्री बर्ड ग्रिल है आपको। इसमें जो इंजन है महिंद्रा का DI टर्बो इंजन है, मैं आपको एक बार दिखा दूँ इसकी फिनिशिंग एक बार इंजन की। बैंको का रेडिएटर, काफ़ी आप लोगों ने नाम सुना होगा बैंको का रेडिएटर लगाया हुआ इसके अंदर। पावर जोन की बैटरी है, महिंद्रा का DI टर्बो इंजन है, कंप्लीट काम किया हुआ है। ये पावर स्टीयरिंग का ऑयल का जो मतलब जो जिसमें रहता है वो, पावर ब्रेक है, पावर क्लच है। तो इंजन एकदम साफ है, ट्राई वगैरह भी ओके हो गई है, गाड़ी आज जा रही है डिलीवरी के लिए। और मैं कस्टमर डिटेल बता दूं, भार्गव भाई हैं, भार्गव रेड्डी भाई, अपने हैदराबाद से हैं, मैं पर्सनली जानता हूं उनको, उनका वहां पे रेंटल बिजनेस भी है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा, डिटेल दे दूंगा मैं भार्गव भाई से पूछ के, या उनका इंस्टाग्राम हैंडल। तो जो हैदराबाद से हैं वो लोग रेंटल के लिए उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब आ जाए टायर के बारे में। इन टायर्स का साइज़ है 31x15.5, ठीक भाई, BKD टायर्स बोलते हैं या क्रेन टाइप टायर्स बोल लो इनको। तो इसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंशियल पूरे बड़े वाले लगा रखे हैं, इसलिए टायर का साइज़ भी क्या बाहर निकल के आया हुआ है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कस्टमर को हमारे को स्टार्टिंग में बतानी होती है कि उनको टायर थोड़ा विड्थ में बाहर चाहिए या अंदर चाहिए, उस हिसाब से ही हम लोग इनमें डिफरेंशियल्स यूज़ करते हैं। तो गाइस, अब इसके इंटीरियर के बारे में आ जाएं। सॉफ्ट टॉप है जैसे आपको सभी को पता है। अब इसका मैं फ्रेम बताऊं, फ्रेम इसमें जो गन होल्डर वाला बोलते हैं, दो पार्टीशन आते हैं, बीच में पार्टीशन होता है, गन होल्डर वाला इसके अंदर फ्रेम है। और अब इसको इंटीरियर दिखा दूं मैं आपको। गाड़ी के बारे में आ जाए, नई लेदर की सीट पॉशिंग की गई है, जो अपने स्पोर्ट्स मॉडल में जो स्टीयरिंग बोलते हैं स्टीयरिंग लगाया हुआ है। ये गियर नॉब हो गया ऊपर, गियर नॉब के ऊपर जो अपना गियर नॉब हो गया, मीटर है, और पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, पावर क्लच, आप सभी को पता है। इस गाड़ी के अंदर एक खास चीज है, इसके अंदर जैसे हार्ड टॉप के अंदर हम लोग जैसे सनरूफ देते हैं ना, इस गाड़ी के अंदर भी वैसे सनरूफ का पैटर्न दिया हुआ है, आगे भी और पीछे भी। ये क्या ओपन हो जाता है, बंदा इसके अंदर से खड़ा रह सकता है आगे से भी और पीछे से भी। तो इसमें ये प्लस पॉइंट है। सीट बेल्ट के लिए दिया हुआ आपको इसके अंदर ऑप्शन, हैंड ब्रेक इसके अंदर लगाया हुआ है। अब इसके बैक साइड की डिटेल्स आते हैं, पीछे हम लोगों ने क्या क्या इसके अंदर लगाया है। तो बैक साइड में इसका 5th अलॉय दिया हुआ है, और इसके अंदर मैं बता दूं अलॉय प्लैटी के अलॉयस हैं जो, और 10 इंचेस वाले अलॉयस हैं। पीछे LED की लाइट्स हैं, तो जिसका विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। टैंक हो गया, और पीछे जो एरियल है निकल कलर है, क्रोम जो बोलते हैं या निकल बोल दो, वो कलर किया हुआ है। और डिटैचबल सॉफ्ट टॉप है। अब गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में आ जाएँ, तो आगे आ जाते हैं हम आपको, और भी काफ़ी थोड़ी चीज़ें बता दूँ गाड़ी के बारे में। और तो गाड़ी की और डिटेल्स बता दूं, जैसे इस जो गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर जो बॉडी गेज यूज़ किया हुआ है 16 गेज है। इसके ऊपर जो पेंट है 2K पेंट है, तो जिससे क्या गाड़ी की थोड़ी क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, और इसके थोड़ी प्राइसिंग में भी फ़र्क होता है। आपको सेम गाड़ी
कंप्लीट अगर सेम पैटर्न इसी में 16 गेज बॉडी है, 2K का पेंट है आपको इसके अंदर, इस गाड़ी की प्राइसिंग पड़ेगी आपको 3,70,000 रुपीज़। जी 3,70,000 रुपीज़ है, जिसके अंदर कंप्लीट आपको NOC चार्जेस भी उसके अंदर ही इंक्लूड है। ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन हम लोग अवेलेबल कराते हैं, जिसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने सभी डिटेल्स कवर करने की कोशिश की है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने विल्ली बनाई है 4x4 सस्पेंशन में, वो भी है हम लोग। फ्रेंकली बोल रहा हूँ, आप लोगों ने आज तक ना वीडियो देखी होगी ना किसी के बार बनी हुई देखी होगी, हम लोगों ने बनाई है। और जिसका ऑर्डर हमें सुशील भाई ने दिया था, जो एक्चुअली यूपी गोरखपुर से हैं, रहते नेपाल हैं, भाई ने स्पेशल रिक्वायरमेंट ली थी। और आपको ऐसे कोई स्पेशल गाड़ी, हमारा काम की सिर्फ विल्ली बनाना नहीं है, हम लोग थार, रूबिकॉन, ब्रैंगलर, जिप्सी, जो भी मॉडल है हम लोग सभी बनाते हैं, क्योंकि हम लोग खुद मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हमें पता है कि हम ये बनाते वो नहीं बनाते, वो ऑप्शन हमारे पास आपको मिलेगा नहीं। आपकी रिक्वायरमेंट आप भेजिए, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ हम लोग बना सकते हैं, और नए नए आइडियाज़। वी ऑल्सो लव टू, मतलब हम लोग क्रिएटर्स हैं यार, मॉडिफायर्स हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि नई नई चीज़ें बनाने का। तो जिस भाई को भी कोई चीज़ नहीं बनवानी हो, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको ब्लिंक हो रहा होगा, उसके ऊपर आप फोटोज और डिटेल्स मेरे को भेज देना, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग टाइमिंग वो सब मैं बता दूंगा। और जो भी भाई ऑर्डर प्लेस करता है ना यार, कई बार क्या क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से लेट हो जाता है, जैसे गाड़ी बना के देनी थी हम लोगों को 30 डेज के अंदर, पर अराउंड 45 डेज का टाइम हो गया था। तो ये छोटी मोटी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, और भी जानकारी दूंगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।